घर में ताई और मैं। दोस्तों, मेरा नाम जगदीप है, उम्र 20 साल है और लंबाई 5 फुट 9 इंच है। हमारा सारा परिवार एक ही घर में रहता है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक बड़ी सी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस घटना से पहले मैं भी बड़ी फिल्में देखता था, पर इसके बाद से तो मेरी लाइफ ही एक फिल्म जैसी हो गई। यह बात आज से करीब 1 साल पहले की है, जब हमारा सारा परिवार किसी की शादी में गया हुआ था और हमारे घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी ताई जी के साथ शाम को घर वापस आ गया। मेरी ताई की उम्र 46 साल है और लंबाई में, यानी कि वो थोड़ी मोटी हैं, पर ऐसा होने पर भी वो बड़ी वाली नजर आती हैं। जब पहले भी कभी मैं और ताई घर में अकेले होते थे तो ताई बिना चुनरी किए काम किया करती थी। मैंने कई बार उनकी झुककर काम करते समय देखी थी, मेरी आंखों के सामने घूमते रहती थी। उस शाम को जब ताई घर का काम कर रही थी तो उन्होंने सलवार कमीज पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण उनके कपड़े पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े साफ नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ताई पर था। रात को भोजन खाने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मुझको देर रात तक टीवी देखने की आदत है, इसीलिए मैं करीब रात 11:30 तक टीवी देखता रहा। सोने से पहले जब मैं पेशाब करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि ताई अभी तक जाग रही है। मैं पेशाब करके वापस आकर ताई से पूछा कि क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही। तो ताई ने बताया कि उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके ला दो। मैं तेल गर्म कर लाया। मैंने पूछा कि क्या मैं आपके पेट की मालिश कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनके पेट पर से कमीज ऊपर कर दिया। मैंने उनके पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 30 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। ताई की पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था। ताई बोली कि चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। ताई कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी लातों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। ऐसा करते समय मैंने कई बार अपना हाथ उनके लगाया, पर वो कुछ न बोली। फिर मालिश करने के बाद अपने कमरे में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि ताई कमरे में मेरे पास आई और मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ताई से पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। तो बोली कि आज तूने हाथ लगाकर कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है और अब इसकी भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो ताई जिसके साथ मैंने सिर्फ सपने ही देखता था, वो आज बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। फिर मैंने और ताई ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर उसने थोड़ी मोड़ी चिल्लर लूटने के बाद ताई ने कहा कि चलो अब असली काम करते हैं। और फिर मैंने ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए खेल को शुरू कर दिया। जैसे रेल चलती है वैसे खेल चल रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैंने ताई से पूछा कि तुमने पिछला गेम कब खेला था। तो वो बोल पड़ी कि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं और इतने दिनों के बाद ये सब मिला तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ताई में ही क्यों मिला। वो बोली, अरे पापा, मैंने कोशिश तो बहुत लोगों से की मगर मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। पर मैंने हार न मानी और सभी पे अपनी नजरें डालने लगी। मैं कई बार और मर्दों के साथ काम को बढ़ाना चाहा, मगर यह काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। उसके बाद तुमने यह जो मेरे दिल में चाह बढ़ा दी, उसमें मेरे तन बदन में मेरी प्रति एक अलग ही उमंग आ गई। मैं तो तेरे ऊपर भी कई बार लाइन मारी, मगर तेरी तरफ से ऐसा कोई प्रदर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। मैं चाहती तो बहुत कुछ कर पाती, मगर मैं एक नारी हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती। और फिर जब तूने तेल लगाया तो मेरे दिल की प्यास और बढ़ गई। मैं सोची आज क्यों ना इस काम को कर ही लूँ, पता नहीं ये मौका फिर कब मिलता, इसलिए मैं आज तेरे पास आई और खेल शुरू कर दिया। फिर हम सारी रात ही वैसे सोए। सुबह उठकर ताई ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। उसके बाद तो जब भी हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। चलो दोस्तों, चलती हूँ मैं,
मिलूंगी अपनी अगली कहानी में। मुझे ढेर सारा प्यार दे और मेरे साथ बने रहे। बाय दोस्तों।